Hello everyone, once again welcome back to this 11 days video making challenge. आज का हमारा चौथा दिन है और आज का जो सब्जेक्ट है guys, that is really really very important subject. Important भी है, थोड़ा सा अलग भी है और बहुत अच्छा है, you know. So आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि वो सब्जेक्ट क्या है, आज का जो विषय है वो क्या है. दोस्तों आज मैंने अपने कम्युनिटी को, अपने फैमिली को, जो भी मेरी कम्युनिटी है, यूट्यूब कम्युनिटी, वीडियो कम्युनिटी, उनको एक सब्जेक्ट दिया था. वो सब्जेक्ट आज का था कि आपको आपके फैमिली को इस सारी दुनिया के सामने थैंक यू बोलना है. गाइज व्हाई, क्यों मैंने ऐसा ये सब्जेक्ट क्रिएट किया या फिर क्यों मैंने उनको ये टॉपिक आज दिया. द रीजन बिहाइंड दैट कि हम इस सारी दुनिया को थैंक यू बोलते हैं, है ना. कहीं पे हम गाड़ी रिपेयर करने जाएंगे उसको थैंक यू बोलते हैं, कहीं पे हम किराना शॉप में जाएंगे उसको हम थैंक यू बोलते हैं, कहीं हम डॉक्टर के पास जाएंगे उसको हम थैंक यू बोलते हैं. बहुत सारी जगह पे हम जाते हैं दिन भर में, और बहुत सारी जगह पे जाने के बाद उन सारे लोगों को, उन सारे ओनर्स को हम थैंक यू बोलते हैं. हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, सब्जी अच्छी लगी तो हम उसे बोलते हैं थैंक यू, बहुत बढ़िया सब्जी बनाई थी आपने. किसी ने हमें, हम गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं और किसी ने अगर हमें जगह दे दी गाड़ी पार्क करने के लिए, तो हम उसे भी बोलते हैं थैंक यू सो मच कि आपने हमें जगह दी गाड़ी के लिए. मगर हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, ये सारे लोग जो एवरी डे हमारे लिए करते हैं, एवरी सिंगल डे जो ये चीजें हमारे लिए करते हैं, क्या हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे, आप सभी लोगों से ये मेरा सवाल है, क्या हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं? आप बोलेंगे सर दिल में तो बहुत बार हम थैंक यू बोलते हैं, है ना, दिल में तो बहुत बार थैंक यू बोलते हैं, मगर सामने से हम नहीं बोल पाते. क्यों दोस्तों? कहीं ना कहीं हमारा, हम माने या ना माने, हमारा ईगो बीच में आता है, यू नो. हमें ऐसा लगता है कि अरे घर के मेंबर है, उन्हें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, राइट? मेरी बीवी है उसे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, मेरे हस्बैंड है उन्हें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, मेरे माँ है, मेरे पिताजी है उन्हें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, वो समझ जाएंगे. मगर नहीं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है, तो थोड़ा और वेट कर लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए कि कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान से, किसी भी इंसान को, खुद को जब उसे प्रशंसा मिलती है या कोई उसे अच्छा कहता है, तो हमें, हर इंसान को ये चीज पसंद होती है, राइट? चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर भी एक इंसान है, ये चीज भूलिएगा मत. क्या कोई जब आपको थैंक यू बोलता है तो आपको अच्छा लगता है? अगर इसका आंसर यस है, हाँ है, तो जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो या बोलोगे, तो क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा. दैट इज द रीजन कि आज इस वक्त, इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से हमें अपनी फैमिली को थैंक यू कहना है. और मैं सागर गारवे आज यहाँ पे आप सभी के सामने, इस पूरी दुनिया के सामने, मेरे जितने YouTube के सब्सक्राइबर होंगे, मेरे जितने Facebook के फॉलोअर होंगे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के सामने मेरे फैमिली को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे वाइफ को, मेरे भाई को, मेरी पूरी फैमिली को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑफ देम, जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर टुडे. उनके सपोर्ट की वजह से, उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. जिस भी मुकाम पे मैं हूँ या जिस भी मुकाम पे आप हैं, जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए कि आप उस मुकाम पे कैसे हैं, क्यों हैं. कभी ना कभी आपके फैमिली मेंबर ने आपको सपोर्ट किया होगा, डोंट फॉरगेट दैट. कभी भी इस चीज को मत भूलिए. और मैं आज सारी दुनिया के सामने अपने फैमिली मेंबर को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे वाइफ को, मेरे भाई को, फिर से एक बार मेरी पूरी फैमिली को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑफ यू
because of you, because of your efforts, because of your time, because of your compromise, you know, ये सारी चीजों की वजह से मैं आज अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ. बिकॉज जो आपके हिस्से का टाइम है वो भी मैं कभी कभार अपने यू नो लाइफ की तरक्की के लिए लगा देता हूँ. कभी कभार पॉसिबल नहीं होता है कि अपने फैमिली को टाइम दे सके, तभी भी वो हमसे कोई शिकायत नहीं करते, तभी भी वो ये नहीं बोलते कि ये मेरा टाइम था, वो टाइम आपने दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया. बिकॉज यू ऑल नो कि आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कभी कभार हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. और तब अगर कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, कोई हमारे साथ यू नो हमारा साथ अगर कोई देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ होती है हमारी फैमिली. एंड इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस, ये हमारी यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें थैंक यू बोले, वक्त वक्त पे हम उसे थैंक यू बोले, वक्त वक्त पे हमें हम उन्हें ये जताए कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से और आपकी वजह से हो रहा है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर. यू नो ये सब कुछ, ये जो कुछ हो रहा है, जहाँ पे मैं हूँ, जो भी लाइफ में जी रहा हूँ, जैसे भी लाइफ में जी रहा हूँ, ये सब कुछ आपके वजह से. आपने मुझे सपोर्ट किया है, आपने मुझे हेल्प की है, आपने मुझे बार बार आगे जाने के लिए यू नो पुश किया है, इसके वजह से ये सारी चीजें होंगी. और आप भी ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों, फैमिली फर्स्ट. फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन दिस प्लैनेट. कोई भी चीज उससे बड़ी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है उससे बड़ी. फैमिली इज वन ऑफ यू नो फैमिलीज आर नॉट वी कैन नॉट से लाइक फैमिली इज माई प्रायोरिटी, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम, बिकॉज फैमिली प्रायोरिटी के भी ऊपर है. प्रायोरिटी जो वर्ड है उसके भी ऊपर फैमिली है. ओके एंड देन प्रायोरिटी स्टार्ट्स. एक बार आपकी फैमिली आ जाती है देन प्रायोरिटी स्टार्ट्स. सो याद रखिएगा कभी भी कि उनको थैंक यू बोलना है, उन्हें ये जताना है बार बार. मैं बार बार इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वो बात समझे, सही ढंग से आप उस बात को पकड़ पाए. ओके सो दिस इज व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे वीडियो मेकिंग चैलेंज. ये आज का हमारा टॉपिक था. आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा. अपने फैमिली को जाकर अभी वीडियो बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अपने फैमिली को जाकर अभी थैंक यू बोलो. ओके अभी थैंक यू बोलो और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपने थैंक यू बोला है या नहीं बोला है. ओके मैं इस वीडियो के माध्यम से तो अपने फैमिली को थैंक यू बोल ही रहा हूँ, लेकिन पर्सनली भी मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ. ओके सो आप भी बोलिए और अपने रिलेशंस को एक अच्छे यू नो लेवल पे आप लेकर जा सकते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो. सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही. कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.